अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रिजवान, आपको हमारे ट्रैवल पॉइंट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक दो बातें आप लोगों से डिस्कस करनी है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि सऊदी अरेबिया ने 10 नए मानों का ऐलान कर दिया, ऐसा खास और अमन मंजिली के तर्ज के वीज़े जाते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों के जी कमेंट्स बॉक्स में भी और पर्सनल में भी मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे भी कि जी ई नंबर कब स्टार्ट होंगे। कुछ लोगों ने तनकीद भी की इस चीज़ पे कि आप ई नंबर के अपडेट दें, ये चीज़ें पहले होती आ रही हैं। कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। मैं आपको बताता चलूँ, जो मैक्सिमम सवाल किए गए हैं वो ई नंबर के बारे में किए गए हैं। तो भाई साय खास और आमिर मंजली के जो वीज़ा जात हैं उनके ई नंबर अभी स्टार्ट नहीं हुए। जो भी दोस्त आपको कह रहे हैं कि ई नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप लोगों से। आप कंफर्म न्यूज़ का इंतज़ार करें, ई नंबर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है साय खास और आमिर मंजली का। और दूसरा जो अहम सवाल किया जाता है कि जी हमारे मेडिकल एक्सपायर हो रहे हैं, तो भाई जब तक ई नंबर स्टार्ट नहीं होंगे, आपके फिंगर नहीं होंगे, तो आपका वीज़ा एम्बेसी में जमा नहीं होगा। आपने चाहे मेडिकल करवाया है, एक्सपायर हो रहा है, जब तक ई नंबर नहीं निकलेंगे आपका कोई भी सलूशन नहीं है। और दूसरी बात ये एक और सवाल किया जाता रहा है जी कि ये बताएं कि हमारे वीज़े जो हैं साय खास और आमिर मंजिली के, क्या ये परमानेंटली बंद तो नहीं हो गए? भाई ऐसा भी कुछ नहीं है। जो साय खास और आमिर मंजिली के वीज़ा जात हैं इनके बाकायदगी से वकाले हो रहे हैं और वीज़े वहाँ से निकल भी रहे हैं। अगर ये परमानेंटली बंद होते तो अब जो न्यू वकाले हो रहे हैं या न्यू वीज़े लोग बाय कर रहे हैं तो ऐसा हरगिज़ ना होता। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ को हम बता रहे हैं कि भाई ई नंबर स्टार्ट नहीं हुए। बहुत सारे दोस्त तनकीद भी कर रहे थे कि जी आपने बार बार एक ही चीज़ को लेके आ रहे हैं कि ये जो 10 नए मैंने हैं ये अनाउंस किए हैं गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने। तो भाई ये इसलिए बार बार बता रहे हैं कि जो साय खास और आमिर मंजिली के वीज़ा जात को लेके परेशान हैं दोस्त, या जो न्यू वीज़ा जात बाय करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि वो साय खास और आमिर मंजिल की जगह पर ये वीज़े जो है 10 जो अब न्यू अनाउंस किए हैं सऊदी गवर्नमेंट ने, ये बाय करें ताकि वो अपने ई नंबर हासिल करें और जो है ई नंबर के बाद अपने फिंगर करवाएं। फिंगर करवाने के बाद जो है एम्बेसी में उनका वीज़ा स्टैंप हो जाए। साय खास और आमिर मंजिली के तो ई नंबर अभी कंफर्म नहीं है कि वो कब तक ओपन होंगे। इसके बारे में कोई किसी किस्म की सॉलिड इंफॉर्मेशन जो है सऊदी गवर्नमेंट से या एम्बेसी से अभी तक कोई हासिल नहीं हुई। तो जी, तो थर्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया जा रहा था कमेंट्स बॉक्स में और पर्सनल व्हाट्सएप में भी बहुत सारे मैसेज आए दोस्तों के, और उनका सवाल ये था कि जी क्या सऊदी गवर्नमेंट ने साय खास और आमिर मंजिली के जो वीज़ा जाते हैं इनको परमानेंटली बंद कर दिया है या नहीं। तो प्यारे भाई देखें, साय खास और आमिर मंजिली के वीज़ा जो हैं वहाँ से अब भी निकल रहे हैं, दोस्त बाय भी कर रहे हैं और पाकिस्तान में उनके वकाले भी हो रहे हैं। अगर कोई ऐसा सीन होता कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने ये परमानेंटली बंद कर दिए होते तो ये जो न्यू वकाले हो रहे हैं या जो दोस्त बाय कर रहे हैं ये वीज़े साय खास और आमिर मंजिली के, तो ये सऊदी ऑफ गवर्नमेंट कभी भी ना करती और हमारे जो दोस्त बाय कर रहे हैं वो बाय ना करते। ठीक है, वकाले भी हो रहे हैं, इसका मकसद यही है कि जो साय खास और आमिर मंजिली के वीज़ा जात हैं ये अभी परमानेंटली बंद नहीं हुए। ये एक टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से ये ई नंबर जो है ये स्टार्ट नहीं हो रहे। तो उम्मीद यही की जा रही है इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब तक ये स्टार्ट होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।